हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं मान्या और आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जब मैंने ट्रीटमेंट लगाना शुरू किया तो मैंने कौन से प्रोडक्ट यूज़ करे। जी हाँ गाइस, आजकल तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, बट जब मैंने ट्रीटमेंट लगाना शुरू किया था तो ऐसे कोई ब्रांड्स इंडिया में नहीं थे जो फ्रेग्रेंस फ्री हो, जो जेंटल स्किन के लिए हो, जो एसेंशियल ऑयल फ्री हो। ऐसे कोई ब्रांड्स इंडिया में मुझे नहीं नज़र आते थे क्योंकि मैं हमेशा सर्च करती थी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। तो जब मैंने लगाना शुरू किया तो मुझे ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स मिले जो मैंने ट्राई किए, और कुछ ने मेरा स्किन बर्न किया, रिएक्शन किया, और कुछ ने मुझे इतना फ़ायदा दिया, इतना साथ दिया। तो आज उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे जिस प्रोडक्ट को यूज़ करके मुझे बड़ा मज़ा आया, मेरी ट्रीटमेंट जर्नी काफ़ी अच्छी रही और मुझे कोई रिएक्शन और साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स मिल जाएँ और बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स मिल जाएँ। क्योंकि मैं इस वीडियो में बजट फ्रेंडली और हाई एंड प्रोडक्ट्स दोनों के बारे में बात करूँगी क्योंकि मैंने दोनों इस्तेमाल किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। सबसे पहले हम क्लेंजर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्लेंजर स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डबल क्लेंज से। इस्तेमाल करती थी मैंने सबसे पहले गार्नियर का माइसलर वाटर यूज़ किया जो मेरे पास अब नहीं है, और सिंपल मेरे पास अभी भी है और इसको मैं बहुत पसंद करती हूँ। और गार्नियर का भी अच्छा है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको क्लेंजिंग वाटर हाई एंड के चाहिए तो आप बायोडर्मा का ट्राई कर सकते हो, ये भी काफ़ी अच्छा है, बट ये थोड़ा सा हाई एंड का प्रोडक्ट है। अगर आप चाहते हो तो आप इसे इस्तेमाल करिए, आपको कोई इरिटेशन नहीं होगी। दूसरा, क्लेंजिंग बाम में अगर आप पसंद करो तो मुझे क्लिनिक का क्लेंजिंग बाम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने कोई और क्लेंजिंग बाम ट्राई नहीं किया है, कोई भी ऐसा क्लेंजिंग बाम नहीं दिखा जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो। तो मैंने क्लिनिक को ही लेना सही समझा क्योंकि भले ही वो थोड़ा सा हाई एंड प्रोडक्ट था बट उसमें फ्रेग्रेंस नहीं था, मुझे अपने फेस का ध्यान रखना था तो मैं उस समय ये सब नहीं सोच सकती थी, इसलिए मैंने क्लिनिक का क्लेंजिंग बाम लिया और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे थोड़ा फंगल एक्ने का इश्यू हो गया तब मैंने क्लेंजिंग बाम को स्टॉप किया, अदरवाइज क्लिनिक का क्लेंजिंग बाम बेस्ट है। टेक द डे ऑफ क्लेंजिंग बाम। तो अब बात करते हैं क्लेंजर्स की। तो क्लेंजर्स में मैंने ज़्यादा ड्रामा नहीं किया, क्लेंजर्स मुझे दो ही अच्छे लगते हैं। मैं एक तो मैं जो हमेशा अपनी वीडियोस में दिखाती हूँ ये सिंपल का क्लेंजर, ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे क्योंकि ये कोई इरिटेशन नहीं देता है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, ये आपके मेकअप को भी रिमूव कर सकता है, ये आपको आपका फेस भी क्लेंज कर सकता है। तो आप इससे दो बार अपना फेस क्लेंज कर सकते हो, हो गया ना डबल क्लेंज। तो ये हो गया एक, और दूसरा मुझे ये सेटाफिल का बहुत पसंद है, ये काफ़ी जेंटल है, जेंटल स्किन के लिए है, इसको डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हमेशा मैं इसे ही यूज़ करती हूँ, इतने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी भी मेरे पास है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरम्स की। क्लेंस किया हमने, फेस को टोन किया, टोनर में ज़्यादा पंगे नहीं लेती थी गाइस क्योंकि टोनर आप कैसे लगा सकते हो, आपकी स्किन इतनी इरिटेटेड है आप कुछ नहीं लगा पाओगे, आप टोनर ओनर शोनर कुछ नहीं लगा पाओगे। अगर आपको यूज़ करना है तो आप थर्मल स्प्रिंग वाटर जो एवेन का आता है वो यूज़ कर सकते हो, मैं वो यूज़ करती थी जब भी मेरा स्किन बर्न हो रहा होता था, इरिटेटेड रहता था, मैं एवेन का थर्मल स्प्रिंग वाटर यूज़ करती थी, वो आप यूज़ कर सकते हो, वो बहुत अच्छा है अगर आपको टोनर इस्तेमाल करना है तो। तो मैंने जो है द ऑर्डिनरी काफ़ी फेमस था उस समय, तो ये लॉकडाउन से पहले की बात है, फर्स्ट लॉकडाउन से पहले की। तो लॉकडाउन से पहले मैंने ये प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे द ऑर्डिनरी के, मैंने दो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, जिस पहला उसका नियासिनामाइड 10% प्लस जिंक वाला जो कि यहाँ इंडिया में कहीं नहीं मिल रहा था, मतलब उसके जैसा कोई ड्यूप भी मुझे नज़र नहीं आया, एक रेवोल्यूशन का ड्यूप था वो मैंने मंगाया था, रेवोल्यूशन के सेरम्स आते हैं गाइस वो वाले, उसमें 10% नियासिनामाइड और प्लस जिंक का मुझे कॉम्बिनेशन मिला, वो मैंने यूज़ किया, पर नायका पे वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता था तो मैंने सीधा द ऑर्डिनरी मंगवाया। उसके साथ मैंने ऑर्डर किया पेप्टाइड सीरम जो कि बहुत फेमस था ट्रेटिनॉइन के साथ लगाने के लिए, तो मल्टी पेप्टाइड सीरम या उसका बुफेट वो लोग बोलते हैं, वो बुफेट था, मुझे वो मैंने ऑर्डर किया। मैंने दो चीज़ें ऑर्डर की, मैंने नियासिनामाइड सीरम ऑर्डर किया, मैंने पेप्टाइड का बुफेट ऑर्डर किया, उस समय क्रेज़ था मैंने मंगवाया,
मैंने यूज़ किया, मुझे जो 10% नियासिनामाइड वाला सीरम था इतना इरिटेट किया चेहरे पे गाइस, मैंने इस मंगवा तो लिए, मैंने 2 बॉटल मंगवाई उसकी और मैं यूज़ नहीं कर पाई, इतना इरिटेट होता था चेहरा। देखिए हाई परसेंटेज था वो 10%, मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने लगाया, मुझे इरिटेट किया, मैंने उसको साइड में रखा। फिर मैंने पेप्टाइड सीरम यूज़ किया, वो मुझे सही लगता था तो मैं ट्रेटिनोइन के साथ रात में पेप्टाइड सीरम लगाती थी। तो पेप्टाइड सीरम अभी तो आप मिनिमलिस्ट का ले सकते हो, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो जिसमें फ्रेग्रेंस ना हो, एसेंशियल ऑयल्स ना हो, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो जो आपको पसंद हो, जो आपके बजट में हो। मैं यूज़ करती थी ऑर्डिनरी का था। पेप्टाइड के सीरम में गाइस मैंने एक और चीज़ ट्राई करी थी, द एस्टे लॉडर, तो क्योंकि वो बहुत फेमस था, काफ़ी लग्जरी था और मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को यूज़ करते हुए देखा था, तो वाओ इफ़ेक्ट्स के लिए मैंने भी उसे मंगवाया था। तो आप देख सकते हो मेरे पास अभी भी उसके बॉटल्स हैं, मैं हमेशा मिनी साइज में मंगाती थी, ये काफ़ी कॉस्टली था यार, ये मैंने ट्राई करने के लिए मंगाए थे और उसके बाद मुझे अच्छा लगा, मुझे ठीक ठाक लगा, तो मैंने फिर 2-4 बॉटल्स और ख़रीदी थी। तो अब ये तो मेरे पास रिसेंटली बचे हैं, तो इसका इफ़ेक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बट इसमें थोड़ी फ्रेग्रेंस है। अगर आप बहुत सेंसिटिव स्किन हो तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आपको ये ब्रांड अच्छा लगता है, आप इसके प्रोडक्ट्स यूज़ कर चुके हो, तो ये वाला पेप्टाइड सीरम मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये नाइट रिपेयर सीरम है, बट ये आप ट्रेटिनोइन के साथ यूज़ कर सकते हो, ये काफ़ी अच्छा है। उस समय तो हाइलुरोनिक एसिड के लिए भी सीरम काफ़ी महंगे आते थे, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये हेलो जेल यूज़ करूँ, जो मार्केट में उस समय काफ़ी हवा में था और एकदम टॉप पे बैठा था ये हेलो जेल। इसका मैंने वाइट वाला पैकेजिंग में जो आता है वो कम परसेंटेज वाला वो भी यूज़ किया है, ये ब्लू वाला जो 2% में है मैंने ये भी यूज़ किया है, ये बहुत अच्छा है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जेल लाइक कंसिस्टेंसी है इसकी, ये बिल्कुल मॉइस्चराइजिंग है। और इसको लगाने से पहले अपने फेस को डैम्प करिएगा। तो जब काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये सब यूज़ करते हुए और मेरी स्किन ठीक ठाक मुझे रिस्पॉन्स कर रही थी, तो मैंने विटामिन सी को भी इंक्लूड किया अपनी स्किन के रूटीन में, पर मैं प्योर विटामिन सी से काफ़ी डरती थी, तो मैंने जो है ये सेसडर्मा का विटामिन सी सीरम, सीविट, सेसडर्मा का सीविट सीरम ऑर्डर किया था। ये सीरम जो है ये भी काफ़ी कॉस्टली है, ये 30 ml का प्रोडक्ट है गाइस, ये 3000 तक, शायद 3000 के अंडर प्रोडक्ट है, बट ये काफ़ी अच्छा सीरम है, कोई इरिटेशन नहीं देता ये प्रोडक्ट, ये बिल्कुल इरिटेट नहीं करता आपकी स्किन को, ये बहुत अच्छा विटामिन सी है। मैंने इसकी 3 बॉटल्स इस्तेमाल की है और आज भी मुझे इससे प्यार है। अच्छा, आई जस्ट लव दिस विटामिन सी, ये काम करता है गाइस, ये एक्ने मार्क्स पे काम करता है, ये स्किन ब्राइटनिंग में काम करता है, ये सच में काम करता है। कि अब मैं ट्रेटिनोइन के साथ कौन सा विटामिन सी यूज़ करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा बजट फ्रेंडली यूज़ करती हूँ और प्योर विटामिन सी तो एक क्रेज़ था कि यूज़ करूँ कभी ना कभी, तो मुझे ये क्लेयर्स का विटामिन सी अच्छा लगता है। इसमें 5% प्योर एल एस्कॉर्बिक एसिड है, विच इज़ ओके, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत कम परसेंटेज है ना, अगर ये फ़ायदा नहीं करेगा तो ये नुकसान भी नहीं करेगा, बट ये फ़ायदा करेगा गाइस, ये आपको बहुत अच्छा रहेगा आपकी स्किन के लिए, आपके एक्ने मार्क्स के लिए, आपकी स्किन ब्राइटनिंग के लिए, आपको काफ़ी अच्छा है, आप इसे यूज़ कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बजट फ्रेंडली एक विटामिन सी मुझे मिला है जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये प्योर है बट ये बहुत कम परसेंटेज है गाइस, यू कैन यूज़ दिस। अब बात करते हैं मॉइस्चराइज़र की, तो काफ़ी टाइम लगा मुझे मॉइस्चराइज़र्स को समझने के लिए, मैंने काफ़ी सारे मॉइस्चराइज़र ट्राई किए, हाई एंड, लो बजट, सब कुछ, बट मुझे कुछ भी फेस पे लगाते ही इरिटेट होता था। फिर मैंने ट्राई किया ये न्यूट्रोजीना का ऑयल फ्री फॉर कॉम्बिनेशन स्किन मॉइस्चराइज़र, ये जो है ये ऐसे बॉटल में आता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मुझे बिल्कुल इरिटेट नहीं किया, ये वाला सेंसिटिव स्किन के लिए भी अच्छा है गाइस, जो कॉम्बिनेशन स्किन वाला है, मैं इसे इस्तेमाल आज भी करती हूँ कभी कभी। और मॉइस्चराइज़र की अगर बात करें तो ये बायोडर्मा का ये मॉइस्चराइज़र एटोडर्म क्रीम, ये मैं आज भी यूज़ करती हूँ, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उस समय भी मैं इसे तब इस्तेमाल करती थी जब मेरा स्किन बहुत इरिटेट होता था, क्योंकि ये थोड़ा सा रिच मॉइस्चराइज़र है और ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए इतना अच्छा नहीं है,
ये ड्राई स्किन के लिए है, बट मैं यूज़ करती थी क्योंकि मुझे रैशेज होने लग जाते थे तो मैं इसे यूज़ करती थी। सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र जो मुझे लगा वो एक निविया का टब वाला, जो ब्लू टब वाला मॉइस्चराइज़र आता है, वाइट वाला नहीं, ब्लू वाला जो आता है, वो जो इतनी थिक क्रीम होती है, मैंने वो क्रीम अपने मुंह पे ऐसे लगा लगा के मैं सोई हूँ। वो बिल्कुल इरिटेट नहीं करता गाइस, वॉट सो एवर, वो इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है। एक्ने प्रोन स्किन हो थोड़ा सा बच के रहना, एक बार लगा के देखना कुछ साइड इफ़ेक्ट कर रहा है या आपके पोर्स को क्लॉक कर रहा है, तो बच के रहना, उसे फिर अवॉइड करना। इफ़ यू आर यूजिंग ट्रेटिनॉइन, दी बेस्ट मॉइस्चराइजर इज निविया जो टब में आता है। अगर नहीं अगर अफोर्ड कर सकते हो कोई अच्छा मॉइस्चराइजर तो बायोडर्मा का CBM हाइड्रा, ये थोड़ा सा मुझे महंगा लगता है, थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, थोड़ा सा ओवर प्राइस तो नहीं कहूँगी मैम, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है CBM हाइड्रा। ये मॉइस्चराइज़र ये आपको ना इरिटेट करेगा, ना फ्रेग्रेंस है, सूथ करेगा आपकी स्किन को उल्टा, और आपको नरिश करेगा, आपकी ड्राइनेस को हटाएगा, ये काफ़ी कुछ करता है गाइस इसकी हालत। बट थोड़ा सा मुझे कॉस्टली लगता है ये, बजट फ्रेंडली में अगर आप बात करें तो आप निविया का टब वाला ले सकते हो, न्यूट्रोजीना का ले सकते हो, काफ़ी अच्छा। और आप एक सेटाफिल का मॉइस्चराइजर ले सकते हो गाइस, ये मेरा तो ख़त्म हो चुका है, बट आप जो है ये सेटाफिल का जो मॉइस्चराइजिंग लोशन आता है ये ख़रीद सकते हो, ये बहुत अच्छा है, ये बेस्ट है, ये यूज़ करो विदाउट फ्रेग्रेंस। सेटाफिल के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं यार, मुझे ये जनाब मिले। सेरावे AM फेशियल मॉइस्चराइजर ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 30, और मैंने जब इसे यूज़ किया आई डोंट नो क्या है इसके अंदर हाई परसेंटेज, आई डोंट नो इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, बट जो मैं लगाते ही मेरी स्किन ऐसे बर्न करने लग गई, मैंने फिर सोचा फिर एक मॉइस्चराइजर गया पानी में, और इसको मैंने साइड में रख दिया। 2019 में मैंने इसे ऑर्डर किया था, आज 2022 हो गया, मैंने इसे आज यूज़ किया, मुझे याद ही आज आया और मैंने इसे आज इस्तेमाल किया है, और ये 2022 में एक्सपायर्ड लिखा है गाइस। आज मैंने इसे यूज़ किया, ये आज मुझे साइड इफ़ेक्ट नहीं किया, ये आज मुझे कोई परेशान नहीं किया, तो मैंने इसे सोचा अब इसे ख़त्म ही कर दो, आप बहुत पैसे वेस्ट किए इसके ऊपर, थैंक गॉड मैं इसे यूज़ कर पाऊँगी अब, तो इसे मैं यूज़ करूँगी SPF 30। अब मैं इसे दिन में लगा रही हूँ तो ये मुझे अच्छा लगा, अदरवाइज़ मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था, जब मेरी स्किन इरिटेटेड थी ये मेरे लिए नहीं था, ये काफ़ी टाइम बाद मैं यूज़ कर पाई। तो ये क्लिनिक मॉइस्चर सर्ज मैंने ट्राई किया था, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्राइसी है, आई डोंट नो कि ये क्या करता है, बट इतना ज़्यादा मुझे हाइड्रेटिंग नहीं लगा, ये कभी भी हाइड्रेटिंग नहीं लगा, कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि ये कुछ फ़ायदा करेगा, और काफ़ी जेल लाइक इसका टेक्सचर है, ठीक लगा मुझे, बट इतना कोई वाव इफ़ेक्ट नहीं लगा कि मुझे स्किन पे सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र ही तो चाहिए। मॉइस्चराइज़र हमेशा ठीक ठाक बजट में होने चाहिए, क्योंकि ये कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो है नहीं जिसमें मैं इतने पैसे खर्च करूँ, और सिर्फ एक ब्रांड के लिए मैं इतना एक मॉइस्चराइज़र के लिए मैं इतना टेंशन लूँ, तो मैंने इसको दोबारा ऑर्डर नहीं किया, और देखिए मैंने इसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया उसके बाद। तो मैंने क्लिनिक का वो टब वाला भी मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, मॉइस्चर सर्च जो ट्रांसपेरेंट बॉटल में आता है, वो भी मैंने यूज़ किया, वो भी बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, वो भी थोड़ा हाई एंड है, वो भी थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, आप चाहते हो आप वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छा है, आप चाहते हो आप ये ख़रीदना ये भी अच्छा है, पर मॉइस्चराइजिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको ये जेल लाइक ही लगेगा, आपको और मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ट्रस्ट में, तो इस पे पैसे वेस्ट ना करें। तो अब बात करते हैं सनस्क्रीन की, तो सनस्क्रीन में मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन ट्राई करी है गाइस, सनस्क्रीन मैंने केमिकल भी बहुत सारी ट्राई करी है, मैंने फिजिकल सनस्क्रीन भी बहुत सारी ट्राई करी है, पर केमिकल सनस्क्रीन लगाते ही मेरा चेहरा बर्न होने लगता था, इरिटेशन होने लगती थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया, मैंने फिजिकल सनस्क्रीन की तरफ फोकस किया। एवीन के प्रोडक्ट्स काफ़ी मैंने सुने थे कि सेंसिटिव स्किन के लिए होते हैं,
तो एक तो मैंने उसका थर्मल स्प्रिंग वाटर ट्राई किया ही हुआ था, तो मैंने उसकी सनस्क्रीन ट्राई करी जो SPF 30 आती है, ये आप देख सकते हो, ये डे प्रोटेक्टर है, ये मुझे काफ़ी पसंद है, ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, सेंसिटिव स्किन के लिए तो बेस्ट है। इससे अच्छी सनस्क्रीन मुझे नहीं नज़र आई, ना ये वाइट कास्ट देती है, ना ये इरिटेट करती है, ना ये चिपचिपी है, ये बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, तो बेस्ट सनस्क्रीन है। उसके बाद मैंने इंडियन ब्रांड्स में मैंने ये बेलो की सनस्क्रीन ट्राई करी है, ये भी काफ़ी अच्छी है, ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है, अगर ऑयली स्किन है तो शायद बहुत ऑयली ऑयली लगेगा इसको लगाने के बाद, अदरवाइज़ अगर ड्राई स्किन है, अगर कॉम्बिनेशन स्किन है, बेस्ट सनस्क्रीन है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बजट फ्रेंडली है। तो इंडियन सनस्क्रीन में मुझे ये लाशेल की फिजिको सनस्क्रीन भी बहुत अच्छी लगती है, ये काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, और ये इसमें जिंक ऑक्साइड भी है, तो ये फिजिकल सनस्क्रीन है, बट ये बिल्कुल वाइट कास्ट नहीं करती है, बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। मुझे एक और सनस्क्रीन बहुत पसंद है जो एक्ने यूवी जेल आती है, वो भी बहुत अच्छी है एक्ने प्रोन स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बेस्ट सनस्क्रीन है, सिलिकॉन बेस्ड है। तो गाइज, आजकल स्लगिंग बड़ा फेमस है कि आप कोई भी निविया क्रीम को थिकली अपने फेस पे अप्लाई करके उसे लास्ट अपने फेस स्किन के स्टेप में लगाते हो और सो जाते हो रात को, तो वो स्लगिंग आजकल बड़ा फेमस है। ये मैं उस समय भी कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे इरिटेशन हो जाता था, रेडनेस हो जाता था, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम रहती थी, इचिंग होती थी, तो मैंने स्लगिंग तब भी ट्राई किया हुआ है, देख के मैं अपने पैच पे लगाती थी जहाँ जहाँ पे मुझे इरिटेशन होती है, मैंने ये भी ट्राई किया है, बट इससे क्या हुआ, इससे मेरे पोर्स क्लॉग होने लगे। जब मैं यहाँ पे अंडर आई में इसे लगाती थी, तब पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, ये काफ़ी मॉइस्चर को लॉक रखता है, अगर आप यूज़ कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप परेशान हो, अगर आपको इरिटेशन है, तो आप ये स्लगिंग जो आजकल चल रहा है वैसा ज़रूर करें, इसे अपने फेस पे लगाएं स्किन के रूटीन के एंड में, और देखिए कि आपको कैसा इफ़ेक्ट आता है, आपके पोर्स क्लॉग्ड होते हैं कि नहीं, क्योंकि मेरे तो हुए थे। मैंने जब भी से ये लगाया तो मुझे माइलिया का प्रॉब्लम हो गया, मुझे छोटे 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 दाने आने लगे फेस यहाँ पे, तो वो मुझे पेट्रोलियम जेली से हो सकता आए हैं, और मैं जब भी से यहाँ पे इस्तेमाल करती हूँ मेरे पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। तब मुझे ये काफ़ी टाइम बाद पता चला, मैं इसे यूज़ करती रही, मेरे एक्ने वहीं के वहीं थे, 29 भी मैं यूज़ करती थी, मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ कर रही थी, फिर मैंने ये हैक भी ट्राई किया था, वो सब कुछ करने के बाद भी मुझे लगा कि इतना कुछ ये इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि मेरे और एक्ने आ रहे थे और मेरे पोर्स क्लॉग्ड हो रहे थे, और मुझे 39 का कोई इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा था, तो फिर मैंने इसे स्किप किया। अगर आप ऑयली स्किन है, अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है, अगर आप को माइलिया का प्रॉब्लम है, तो आप इससे दूर रहें, इसे मस्त इस्तेमाल करें, ये ट्रेंड्स के उस पे मत जाएं, ट्रेंड्स पे मत जाएं, ये आपको क्लॉक करेगा पोर्स को। तो ये मैंने यूज़ किया है, मैंने इसे लगाया है, मैंने इसे काफ़ी रात को लगा के छोड़ा है, अच्छा है, बट अगेन ऑयली स्किन के लिए नहीं है, तो इसे मैं स्किप किया मैंने, बट मैंने इसे ट्राई ज़रूर किया है। तो दैट्स इट गाइज, ये प्रोडक्ट्स थे जो मैंने अपने 39 जर्नी में यूज़ किए, ये प्रोडक्ट्स थे जो मुझे फ़ायदा किए हैं, ये जो हाई एंड और लो बजट के दोनों के मैंने आपको दिखाए हैं, मुझे इन प्रोडक्ट्स ने काफ़ी साथ दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कोई ऑप्शंस मिले हो, अगर आपको मज़ा आया हो देख के कि मैंने अपने स्किन केयर की जर्नी में कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए हैं 39 के साथ, जो कि काफ़ी मुश्किल से समझ में आता है कि आपकी स्किन पे क्या सूट करेगा क्या नहीं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर करना, मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए, मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए एक लाइक करके, और ऐसे ही मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि मैं स्किन केयर और मेकअप की वीडियोज़ डालती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।